मॉर्निंग दोस्तों, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और जैसे आपने टाइटल में देख ही लिया है, हम जयपुर को देखने वाले हैं। और जयपुर देखने की ये सीरीज में ये चौथा वीडियो है। और आगे भी आपको बहुत सारे ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेंगे जिसमें आप जयपुर को देख पाएंगे। लेकिन ये वीडियो खास है क्योंकि अभी हम रेलवे स्टेशन पे, आप देखें मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हैं रेलवे स्टेशन, और पीछे से रेलवे का अनाउंसमेंट का जो है आवाज़ भी आपको सुनाई दे रहा है। तो अब यहाँ से हम शुरू करेंगे इस वीडियो को। और जो जयपुर का फेमस हवा महल है, जो दुनिया में फेमस है, वहाँ तक हम जाएंगे। यदि आप रेलवे स्टेशन से जाते हैं और हवा महल देखने के लिए जाते हैं तो आपको रास्ते में क्या क्या देखने को मिलता है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा घर बैठे बैठे। तो यदि आप पूरा वीडियो देख करके अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आइए शुरू करते हैं। ये जयपुर जंक्शन का सामने से व्यू। जयपुर रेलवे स्टेशन 1895 में बना था, 1895, 127 साल पुराना ये रेलवे स्टेशन है। ये एंट्री का और बाहर निकलने का रास्ता है। इधर एंट्री गेट है, ये पूरा सामने से व्यू है। ये एग्जिट का रास्ता, निकासी बाहर निकलने का रास्ता। ये बाहर निकलते ही सामने का व्यू, ये सामने सर्कल बना हुआ है, राउंड बना हुआ है, और इस तरह का ये पूरा व्यू है। सामने आपको ऊपर मेट्रो दिखाई दे रहा होगा, और ये मेट्रो का रेलवे स्टेशन का जो स्टॉप है वो है बिल्कुल पास में ही इसके। और ये यहाँ का पूरा सामने से व्यू है, ये सब होटल खाने वगैरह के, इस तरह से ये पूरा यहाँ का दिखाई देता है। ये यहाँ का व्यू, ये पुलिस थाना रेलवे स्टेशन के बाहर का, और ये सामने का व्यू। वैसे तो ट्रैफिक बढ़ गया है लेकिन यहाँ रेलवे स्टेशन के आसपास या सामने ज़्यादा ही ट्रैफिक रहता है। आइए आगे और चलते हैं। और ये यहाँ पर महिला थाना, और इसके बाहर ये मंदिर, गणेश मंदिर है। गाड़ियों की आवाज़ आ रही है बहुत तेज़। और ये यहाँ का व्यू है, और ऊपर आप देखें तो मेट्रो जा रही है, जयपुर मेट्रो। तो इस ब्रिज के ऊपर से हम आगे चलते हैं सिंधी कैंप की तरफ। ये सामने MI रोड का व्यू है। सामने आपको कलेक्ट्रेट सर्किल मिलता है, और ये जो ब्रिज के नीचे जो गाड़ियाँ उधर से आके जा रही हैं, ये MI रोड आगे जो सिटी के आगे से निकलता है। और ये हमारा रेलवे स्टेशन से सिंधी कैंप बस स्टैंड को मिलाने वाला ब्रिज, तो इस MI रोड के ऊपर से बना हुआ है, नीचे से MI रोड जा रही है। और ये यहाँ का पूरा व्यू, और ये पास में आप देखें तो मेट्रो, जयपुर मेट्रो 2015 में 3 जून को स्टार्ट हुई थी पहला फेज, जो मानसरोवर से चांद पोल तक का पहला फेज था जो शुरू हुआ था। और ये इंडिया का 6th मेट्रो था,
यदि हम मेट्रो इंडिया में पूरा बात करें तो ये 6 नंबर पे आता है। इससे पहले 5 सिटीज में मेट्रो चल रहा था और उसके बाद में सेकेंड फेज भी शुरू हो गया जो आगे चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक अंडरग्राउंड है, वो भी शुरू हो गया। तो आइए और आगे चलते हैं इसी वीडियो में और देखते हैं। ये जैसे ही ब्रिज से नीचे आते हैं होटल रॉयल पोलो विक्ट्री, ये यहाँ पर आ जाता है, इसे पोलो विक्ट्री का एरिया बोलते हैं। और ये यहाँ का पूरा व्यू है, ऊपर वही मेट्रो का ब्रिज और ये सामने का पूरा पोलो विक्ट्री का एरिया जहाँ पे होटल बहुत सारे होटल हैं, ये यहाँ का व्यू है। और आगे चलते हैं, आइए। ये यहाँ सिंधी कैंप का मेट्रो स्टेशन का व्यू आप देख पा रहे हैं नीचे से। और जैसे मेट्रो में हमने बात किया, मेट्रो में 11 स्टेशन है, उसमें एक ये सिंधी कैंप का भी है। पीछे हमने जो आपसे बात किया था रेलवे स्टेशन का है, ऐसे ही ये सिंधी कैंप का स्टॉप है या स्टेशन है मेट्रो का। ये सिंधी कैंप बस स्टैंड का व्यू है सामने का, और ये सामने मेट्रो सिंधी कैंप, केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप जयपुर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, सिंधी कैंप का मेन बस स्टैंड। और ये सामने का पूरा व्यू, ऐसे ये मेट्रो अंडरग्राउंड चली जाती है और आगे चांदपोल स्टेशन आता है। चांदपोल अंडरग्राउंड में है और ये चांदपोल मेट्रो का 3 नंबर गेट, और ये सामने का व्यू। ये सामने मंदिर है, मांझी साहब श्री श्री 108 श्री तंवर जी का मंदिर है। और ये पूरा व्यू है, और जैसे मैंने कहा मेट्रो यहाँ से अंडरग्राउंड है तो ये स्टेशन भी अंडरग्राउंड में है। वैसे मेट्रो दूर है, वो जो आपको पोल दिखाई दे रहा है वहाँ पर स्टेशन है, लेकिन ये अंडरग्राउंड है तो यहाँ से भी एक एंट्री है 3 नंबर गेट से बोलते हैं। संत सुंदर दास सत्संग भवन है यहाँ पर, और ये यहाँ पर पूरा व्यू। और ये सामने रिजर्व पुलिस लाइन, जनाना अस्पताल चांदपोल, ये जनाना हॉस्पिटल है बड़ा। और ये यहाँ का पूरा व्यू है, ये चांदपोल का सामने ये बिल्कुल, और ये इसके सामने, क्योंकि हॉस्पिटल है तो दवाइयाँ की दुकान भी होती है, ये सामने दवाइयों की दुकान है। सेंट एंड्रयूज चर्च जयपुर, 1917 में ये चर्च बना था, काफ़ी पुराना, आज़ादी से भी पहले का। ये चर्च का अंदर का व्यू है, वहाँ पे लिखा है परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव, आपको शायद स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए गॉड इज लव। और यहाँ ये चर्च का व्यू, काफ़ी बड़ा चर्च है और काफ़ी मेन जगह पे है ये, यहाँ पर ये पूरा कॉर्नर का जगह है, काफ़ी बड़ा जगह है जो 1 नंबर गेट के सामने, चांदपोल का मेट्रो का 1 नंबर गेट के बिल्कुल सामने है। और ये सामने का पूरा व्यू है, पूरा ट्रैफिक चल रहा है, मेन रोड है। और ये यहाँ पर मंदिर है श्री दक्षिणमुखी हनुमान इच्छापूर्ण देवी नवग्रह मंदिर, ये यहाँ पर मंदिर है। और ये आगे का पूरा व्यू है, गणगौरी बाज़ार छोटी चौपड़ किशनपोल बाज़ार, ये यहाँ चांदपोल का जो रास्ता जा रहा है अंदर गेट के अंदर से, चांदपोल गेट जिसे बोलते हैं सामने आपके, वहाँ से ये आगे गणगौरी बाज़ार छोटी चौपड़ और किशनपोल बाज़ार अंदर आते हैं। और ये सामने पूरा शानदार व्यू, ये चांदपोल मेट्रो बिल्कुल पास में इसके। और ये सामने
सर्किल और ये पूरा ट्रैफिक यहाँ का। आइए और इस गेट से, ये जो गेट है चांदपोल गेट, ये देखिए कबूतर, इस गेट से अंदर चलते हैं और आगे। ये चांदपोल गेट से अंदर आते ही ठिकाना मंदिर श्री रामचंद्र जी, श्री गुलाबेश्वर महादेव जी, श्री दक्षिणमुखी हनुमान जी, ये मंदिर और ये यहाँ का व्यू और ये गौ माता। आगे चल, आगे चल, आगे चल, आगे चल, ये गौ जा रही है पास से और ये पूरा व्यू यहाँ का। आइए और आगे चलते, और ये यहाँ से चांदपोल बाजार का पूरा व्यू। ये आप देखिए हाथ से चलने वाला ठेला भी जा रहा है। पिंक सिटी का ये पूरा मार्केट का व्यू, ये यहाँ पर खेजड़ी के नीचे मंदिर है, मुसाना खेजड़ों के भैरवनाथ बाबा का मंदिर है ये चांदपोल का, और ये यहाँ पर खेजड़े के हनुमान जी का मंदिर है, ये देखते हैं। और ये पूरा चांदपोल बाजार का व्यू, और ये सामने बाबा हरिश्चंद्र मार्ग अंदर जो गली गई है इस मेन रोड से, और इधर जो गली जा रही है या ये जो रास्ता जा रही है ये नाहरगढ़ रोड। ये चांदपोल बाजार और ये बड़ा यहाँ पर मंदिर, और ये यहाँ छोटी चौपड़ का व्यू, अभी छोटी चौपड़ पे आ गए, और यहाँ से सामने आप देखेंगे तो ये इसत लाट बड़ा सा एक गुमन दिखाई दे रही है, इसत लाट यहाँ से दिखाई देता है छोटी चौपड़ से, और ये पूरा यहाँ का व्यू है। ये इसत लाट के पास में पूरा मार्केट, और यहाँ इसर लाट से आप पूरा जयपुर को देख सकते हो। ऊपर से 50 रुपये का फीस है, ऊपर जाकर के आप ऊपर जाकर के पूरा जयपुर को देख सकते हो, और ये पूरा यहाँ का व्यू है। आइए आगे चलते, और ये त्रिपोलिया गेट, और ये त्रिपोलिया गेट के सामने का पूरा चौराया, इधर ये चौड़ा रास्ता, आइए और आगे चलते हैं। ये पूरा यहाँ का व्यू, त्रिपोलिया बाजार का पूरा व्यू आप देख पा रहे हैं। तांबे के बर्तन पे कली हो रही है, आइए आगे चलते हैं। ये बड़ी चौपड़ का मार्केट है, आइए और आगे चलते हैं। ये गणेश मंदिर बड़ी चौपड़ के ऊपर,
ये दही बड़ा, दही बड़ा हवा महल के सामने, और ये हवा महल का व्यू। ये सामने हवा महल, दुनिया का फेमस हवा महल, और ये यहाँ का पूरा सामने का व्यू। ये हवा महल का व्यू, हवा महल जो 1799 में बना, और इसके बाहर का व्यू। ये स्वाई जय सिंह, जिन्होंने जयपुर को बसाया था, उनके ग्रैंड सन ने ये हवा महल अपनी रानी के लिए बनाया था। ये इसका व्यू, महाराजा श्री प्रताप सिंह ने ये महल बनाया था, और ये इसके आगे का सामने का पूरा व्यू। ट्रैफिक, तो दोस्तों आपने ये पूरा वीडियो देखा, लाइक ज़रूर कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इस शानदार व्यू के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये पूरा वीडियो देखा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।